प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 वर्त का क्षेत्रफल और परिधि उससे संबंधित क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 15.1 का शेष रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर सात मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें, इस प्रकार से एक वर्ताकार घास का मैदान है, जिसकी त्रिज्या 35 मीटर बताई है। इसके चारों ओर ऐसे 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग की चौड़ाई है 7 मीटर। अब ये जो मार्ग है, इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है इसका। तो ये बताने के लिए ऐसे पार्क या फिर शहर के अंदर बीच में चौराहे होते हैं, वो उनके चारों ओर रोड बनी हुई होती हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपने देखी होंगी, उनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएंगे उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो ये जो रास्ता है चारों ओर, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो बताने के लिए देखिए, एक तरीका तो है कि हम एक तो अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। एक हम जो बाहर पूरा वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जिसकी त्रिज्या देखिए होगी 35, यहाँ तक हो गई, प्लस 7 आगे हो गई, यानी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जिसको मैं बड़ी आर लिख रहा हूँ वो हो जाएगी 35 प्लस 7 मीटर का मार्ग 42 मीटर। यानी अगर हमें बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब तो ये पाई आर का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वेयर। ये तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ पर तो आर का मान रखना पड़ेगा हमें 42, तब तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अगर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो छोटा वृत्त है उसका, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर की स्क्वेयर, इसमें आर का मान 35 हो जाएगा। फिर बाहर वाले वृत्त में से जब हम अंदर वाला वृत्त घटाएंगे तब इस मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। एक तरीका तो ये है, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, हमें दो वर्तों के क्षेत्रफल अलग अलग निकालने पड़ेंगे और फिर घटाना पड़ेगा। एक होता है कि इस भाग को, ये अंगूठी के आकार का भाग है जिसको हम वलय कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिंग बोलते हैं, रिंग आकार का, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र होता है। ये जो दो वर्त हैं, इन वर्तों को बोलते हैं हम सेकेंद्रीय वर्त। सेकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक होता है और त्रिज्या अलग अलग होती है, जैसे इसकी त्रिज्या 35 है, इसकी त्रिज्या 42 है। तो ये दो ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र एक है और त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ये सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जब सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध का मतलब दोनों वृत्तों के बीच में बंधा हुआ भाग, दो सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच के परिबद्ध क्षेत्र का जब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो एक सूत्र होता है अलग ही, सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, सूत्र होता है पाई कॉमन बड़ी आर की स्क्वायर माइनस छोटी आर की स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पाई कॉमन बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, क्योंकि इसके ऊपर सूत्र लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर दो संख्याएं दोनों ही पूर्ण वर्ग हों जिनकी स्क्वायर लगी हुई हों और उनके बीच में माइनस का निशान हो तो उसको लिखने का तरीका होता है कि एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। जैसे इसको मैंने लिखा है बड़ी आर के एक बार छोटी आर प्लस में, बड़ी आर के एक बार छोटी आर माइनस में। जब भी दो संख्याएं इस पर आती हैं तो हम ऐसे लिख दें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहली संख्या के साथ एक बार दूसरी संख्या प्लस में लिखते हैं, पहली संख्या के साथ एक बार दूसरी संख्या माइनस में लिखते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा यदि हम करें इस सवाल को, तो देखिए बड़ी आर है हमारे पास 35 प्लस 7 यानी कि 42 मीटर, छोटी आर अगर हमारे पास लिखें तो 35 मीटर, और अब हम इसको सूत्र में रखें तो ये 22 बटे 7, ये 42 की स्क्वायर माइनस 35 की स्क्वायर। बड़ी आर के स्थान पर 42 आ गया, छोटी आर के स्थान पर 35 आ गया, ये आ जाएगा 22 बटे 7। अब इसके ऊपर सूत्र लगाएं, एक बार जोड़ दें 42 में 35, एक बार 42 में 35 घटा दें, इस प्रकार से एक बार प्लस में एक बार माइनस में 22 बटे 7, इनको जोड़ दें स्तंत्र हो गया, 42 में से 35 घटा दें 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का गुणा कर दें, 22 5 110, 22 1 132, 22 7 154, हंस लगी 15, 154 और 15 9 6 1 169, यानी कुल मिलाकर के आपका उत्तर आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दो सेकेंडरी वृत्तों के बीच में जो एरिया परिबद्ध है, जो बंधा हुआ भाग है, जो रिंग के आकार में है, उसका क्षेत्रफल हमने निकाला है। उसके लिए ये सूत्र है अलग से, पीछे मैंने एक वीडियो में सूत्र लिखाए थे प्रश्नावली के, उसमें ये नहीं लिखाया गया था, शायद ध्यान में नहीं रहा होगा, तो इसको यहाँ से उतार लीजिएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली नहीं शुरू हो रही है 15.2। ये 15.1 के क्वेश्चन थे, अब नया टॉपिक 15.2, जिसमें हम वृत्त के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब वृत्त के जो भाग होंगे त्रिज्या खंड और लघु वृत्त खंड, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली हो गई 15.1 की जगह 15.2 शुरुआत। इसमें हमारे सामने त्रिज्या खंड और लघु वृत्त खंड आएंगे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, परिभाषा वगैरह सारी बता चुके हैं, सूत्र लिखा चुके हैं। प्रश्न पढ़ेंगे हम, प्रश्न नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, तथा केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है, तथा एक चाप द्वारा केंद्र प्रांतरित कोण
60 डिग्री है। इसके संगत त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई ज्ञात करें। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर इस प्रकार से कोई चाप है, जैसे यहां से लगाकर यहां तक ये चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर पॉइंट। ये त्रिज्या है दोनों। त्रिज्या की लंबाई बताई है 3 सेंटीमीटर, कोण बताया है 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का जो कोण दो त्रिज्याएं बना रही हैं, इनके बीच में ये यहां से यहां तक का चाप है। इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या और कोण जो है वो थीटा का मान है 60 डिग्री। यहां पर सूत्र में थीटा लिखा हुआ आता है, इसलिए थीटा का जो मान है वो मैंने लिखा है 60 डिग्री। अब सूत्र है चाप की लंबाई ज्ञात करने का। चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। जब सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे सामने चाप की लंबाई आएगी। तो चाप की 22/7 पाई का मान, आर हमारे पास 3 है, थीटा का मान हमारे पास 60 है, बटे में 180 आ गया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 6 3 18 आ जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, यानी चाप की लंबाई आ जाएगी 22/7 सेंटीमीटर। 22 में 7 का भाग दे दें, 7 3 21 बच गया 1.0, 7 1 7 बच गए 3 0, 7 4 28। तो ये आ गया 3.14 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। इस प्रकार से भी चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आप वृत्त की परिधि के सूत्र से भी बना सकते हैं। जैसे कि यह केंद्र पर 360 का कोण बनता है पूरे वृत्त में। पूरे वृत्त का जो डिग्री माप होता है वो 360 होता है। जब 360 डिग्री का कोण बनता है, जब केंद्र पर 360 का कोण बनता है, तो चाप की लंबाई क्या होती है? 360 का कोण बनता है तो ये पूरा चाप ही होता है, जिसको हम परिधि बोलते हैं। जब केंद्र पर 360 का कोण बनता है तो चाप की लंबाई होती है 2πr। और जब केंद्र पर कोण का पता ही न हो तो थीटा मान लेता हूं। जब केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनता है तो चाप की लंबाई होगी 2πr। एक डिग्री का कोण बनता हो, सॉरी 360 का कोण बनता हो तो चाप की लंबाई है 2πr। जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है तो चाप की लंबाई होगी 2πr बटे में 360, क्योंकि ये पता है कि जब ज्यादा डिग्री का कोण बना करके कम का पूछें तो भाग दिया जाएगा। ज्यादा चीज का भाव का पता हो और कम का पूछा जाए तो भाग दिया जाता है। और जब केंद्र पर थीटा का कोण बने, थीटा डिग्री का कोण बने, तो चाप की लंबाई 2πr थीटा बटे में 360, काटेंगे तो आ जाएगा पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सूत्र हम
बढ़ा भी सकते हैं कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो चाप की लंबाई होती है 2πr, जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है 360 का बने तो 2πr होगा, तो 1 डिग्री का बनाना होगा तो 360 का भाग लग जाएगा इसमें, और जब केंद्र पर थीटा का कोण बनता होगा तो थीटा गुणा में चला जाएगा, दो से भाग देंगे तो पाई आर थीटा बटे में 180 आ जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि त्रिज्या खंड होता कैसा है, त्रिज्या खंड की परिभाषा क्या होती है, ये पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। ये दो त्रिज्या हैं OA और OB, ये त्रिज्या खंड का कोण बताया यहां पर 45 डिग्री, त्रिज्या बताई है 3.5 सेमी, और पूछा है हमारे से क्षेत्रफल, ये होता है त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसे त्रिज्या खंड बोलते हैं। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए, आर आपके पास 3.5 है, थीटा आपके पास 45 डिग्री है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, पाई का मान हो गया 22/7, आर है 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में थीटा है 45 बटे में आ गया 360। देखिए पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा में आर की स्क्वेयर है, आर 3.5 है, स्क्वेयर है तो दो बार 3.5 गुणा 3.5, थीटा देखिए 45 डिग्री है थीटा का मान, तो गुणा में 45 बटे में आ गया 360। अब 45 × 8 = 360 होते हैं, और 7 × 5 = 35 होते हैं 0.5, ये आ गया 22 × 5 = 110, एक अक्षर पर पॉइंट, गुणा में आ गया 3.5 और बटे में आ गया 8। अब 11 × 55 का पंजा, आंसर लगी 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, एक अक्षर पर लग जाएगा पॉइंट, बटे में आ जाएगा 8। इस पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये 11 ही माना जाएगा। 11 × 55 का पंजा, आंसर लगी 5, 11 × 3 = 33, 5 = 38, एक अक्षर बाद पॉइंट, बटे में आ गया 8। इसको काट ही दिया, 45 × 8 = 360, 7 × 5 = 35, 0.5, ये 22 × 5 = 110 यानी 11 बन गया, एक अक्षर बाद पॉइंट लगेगा तो, और ये आ गया 3.5 बटे में आ गया 8। अब इसमें भाग देकर के हम उत्तर निकाल सकते हैं, 38.5 के अंदर 8 का भाग, तो 8 × 32 बच गए हमारे पास 6, पॉइंट लगा दिया,
8, 7, 56, 8, 64 बच गए हमारे पास 1, 0, 8, 1, 8 बच गए 2, 0, 8, 2, 16 बच गए 4, 0, 8, 5, 40 तो ये आ गया 4.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और उसकी त्रिज्या है 7 सेमी। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने दो सूत्र बताए थे। ये त्रिज्या खंड होता है, इसके दो सूत्र बताए थे कि जब हमारे पास थीटा का मान उपलब्ध हो तब तो हम सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। जब हमारे पास यहां पर कोण का मान नहीं दिया हुआ हो, हमें दे दी जाए चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई जिसको हम एल बोलते हैं, अगर L की मान दे दी जाए तो हम सूत्र लगाते हैं 1/2 L × R। अब इस सवाल में यही सूत्र लगाना होगा क्योंकि यहां पर हमें दे दी चाप की लंबाई यानी L का मान और R का मान, इस सवाल में थीटा का मान नहीं है, इसलिए यह सूत्र आसान रहेगा, इसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो एल गुणा आर, 1/2 × L है हमारे पास 12, आर है 7, काटे तो काट सकते हैं 6 × 12 यह आ जाएगा 6 × 7 7×42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब एक तो हमारे पास चाप की लंबाई दी हुई हो और दूसरी हमारे पास त्रिज्या दी हुई हो, तब हम इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है।